आइए चलते हैं कलर्स के शो बेपनाह प्यार के ऑन लोकेशन पर, जहां चल रहा है गणपति विसर्जन। इस शो में आने वाले हैं काफी सारे ट्विस्ट और टर्न, आइए बात करते हैं इनसे। सर फाइनली विसर्जन हो रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। विसर्जन है ऐसी चीज की हर आदमी एंजॉय करता है, जो नहीं भी आसपास होते वो ढोल ढोल की आवाज़ से ही खुश हो जाते हैं। बेसिकली बहुत फेस्टिव सीजन है, माहौल बहुत एनर्जेटिक है, हर आदमी कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिविटी महसूस कर पा रहा होगा। हम शो और मैं भी बहुत पॉजिटिविटी महसूस कर रहा हूँ शूट करते वक्त भी, एंड इन जनरल भी इन रियल लाइफ। हम लोग जा ही रहे हैं गणपति दर्शन के लिए और ये सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि आपने बताया आप रियल लाइफ में भी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, तो एक कॉमन चीज़ इस बार विसर्जन में था कि बहुत बारिश हुई, तो किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से एंजॉय किया है क्या? देखिए अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ अगर अच्छा कोई काम होगा तो साथ में कुछ कुछ उसके साथ उलझने भी आती हैं। उन उलझनों को क्रॉस करने के बाद ही आप कोई ऐसा काम कर पाते हैं। तो बेसिकली वो ट्रैफिक जाम और ये सारी चीज़ें तो लगी हुई हैं, बारिश वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन वी कांट हेल्प इट बिकॉज सबको जाना है। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मैं जाऊँगा दर्शन, तो बेसिकली सब हैं, सब जाते हैं दर्शन के लिए, अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं हमसे, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो फ्रूट होता है वो बहुत मीठा होता है। अच्छा वेल खुशियों का माहौल तो आजकल है, पर इसी बीच कुछ ना कुछ ऐसा एक चीज़ हो गया है जिससे काफ़ी टेंशन हो गई है, क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रगति पानी में गिर गई है, वो डूब ना जाए इस चीज़ की टेंशन हो गई है। तकबीर किसी भी हालत में प्रगति को डूबने नहीं देगा, वैसे भी एज अ ह्यूमन बींग वो नहीं किसी भी इंसान को डूबने देता, लेकिन प्रगति तो वो इंसान है जिसके लिए अब उसको प्यार डेवलप होने लगा, उसकी बीवी है और उसको कहीं ना कहीं प्रगति में पानी दिखती है, तो वो वही सारे हीरो जो करते हैं वही सेम काम करता है, पानी में कूदता है प्रगति को बचा के। सर रघुवीर कितने कामयाब होने वाले अभी प्रगति को बचाने के लिए? मैं तो बचा ही लूँगा। वेल आने वाले आगे ट्विस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आने वाले बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे रेवलेशन होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उन सारे क्यों उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टोरी रिवील कर रहे हैं काफ़ी हद तक। सो कीप वॉचिंग बेपनाह प्यार, आपको बहुत मजा आने वाला। ओके थैंक यू। सो विसर्जन का माहौल चल रहा है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले हम नाचते गाते गाते आए, अभी विसर्जन हो चुका है और इसके बाद कुछ होने वाला है। कल हमने देखा प्रगति काफ़ी मुसीबत में फंस चुकी है, क्या कहना है? मुसीबत में फंस चुकी है, वो विसर्जन करते करते उनका पैर फंसा जाता है, वो गिर जाती है और फिर रघुवीर आके उन्हें बचाते हैं, तो वो सब स्ट्रगल चल रहा है, हम वही शूट कर रहे हैं आज। फिर फिसलने से पहले कुछ तो एक चीज़ परेशान कर रही है प्रगति को, हम सोच में पड़ी है क्या है वो चीज़? तो मैं बहुत अच्छे से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि बानी को किसने मारा और मेरा शक किसी पे है, तो उसके लिए प्रूफ इकट्ठा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि बस मिलने ही वाला होता है कि कुछ हो जाता है, वो मेरे हाथ से छूट जाता है, तो इस बार वापस वही हुआ। मुझे लगा कि मुझे प्रूफ मिल जाता है बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, हाथ नहीं लगता। तो मैं भगवान से कोई प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दे, और जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता। तो किस तरह से अभी कामयाब होने वाली प्रगति पूरा? सुबह तो कामयाब है कि तो पता नहीं मैं बच जाऊँ, बात उसकी है कि मैं बचती हूँ कि नहीं, अभी उस पर टेंशन हो रही है। फिर आने वाले ट्विस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए फैंस को? यू शुड कीप वॉचिंग बेपनाह प्यार, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बेपनाह प्यार। थैंक यू थैंक यू।